नमस्कार, आज हम बात करेंगे ये जो ग्लास ट्रैप आप देख रहे हैं इसके बारे में। एक्चुअली ये है ग्लास ट्रैप, ग्लास के शेप में रहता है, इसमें दो छेद होता है इधर और इधर। इसमें क्या होता है, इसको नाम है ट्रैप। ट्रैप मतलब पकड़ना। इसके अंदर जो पेस्ट होता है कीड़ा, उसको हम लोग मारेंगे। ये देखिए कैप खुलता है, इधर से कैप खुलेगा। अब देखिए इसके अंदर ना एक बिस्किट टाइप का ये रहता है, यही है दवाई। इसके अंदर क्या करना हमें, ये जो आप पाउच देख रहे हैं, ये पाउच को फाड़ के इसमें देना है। एक्चुअली ये है फ्रूट फ्लाई के लिए, उस पर भी हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए, तो मेरे खेत में पहले से लगा हुआ था। इसमें देखिए आप कीड़ा देख पा रहे होंगे, जो भी पेस्ट हमारे पौधा पे अटैक किया है, पपीता का ये खेत है, इसमें जो भी पेस्ट अटैक किया है, एक्चुअली ये एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, खुशबू प्रोड्यूस करता है। इस खुशबू में कीड़ा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है इसके तरफ कीड़ा, और कीड़ा इस छेद के माध्यम से अंदर जाता है और अंदर फंस के अंदर में ही मर जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये 2 दिन का रिजल्ट है। 2 दिन में देखिए इतना कीड़ा इसमें जमा हो गया है। 2 दिन में आप इसको गिरा दिया करें प्रत्येक 3-4 दिन पे, और फिर इसमें बिस्किट गिरा दें। एक जो बिस्किट होता है, एक इसके अंदर मतलब वो दवाई जिसको आप बोलते हैं, वो लगभग 45 दिन चलता है। ये एक्चुअली एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से कीड़ा इस पर अट्रैक्ट होता है और फिर मरता है। ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से कुछ इसका पैकिंग आता है, ये इसका पैकिंग है। और इसका कीमत मार्केट में लगभग 120 से 130 रुपए के आसपास आएगा इसका कीमत। ध्यान रहे कि एक्सपायरी डेट देख के लेना है। एक्चुअली ये है फ्रूट फ्लाई के लिए, तो आप आम लगा रहे हैं, लीची लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, पपीता का भी खेत में हम हैं, जितना फ्रूट फ्लाई इस पर अटैक कर रहा है, जैसे सफ़ेद मक्खी हो गई या फिर और भी जो मक्खी अभी आपको हम दिखाएं, इससे मक्खी कंट्रोल होता है। इसका मेन कार्य क्या है कि जिसे बायो पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। पहले हम लोग क्या करते थे, स्प्रे करते थे खेत में। स्प्रे करने से वातावरण भी दूषित होता है, तो उसके लिए ये साइंटिफिक तरीका है, मतलब कैसे आप अपने खेत से पेस्ट को हटा सकते हैं। ये जो ग्लास ट्रैप आप देख रहे हैं, इसको फ्रूट फ्लाई ट्रैप के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली देखने में ग्लास के टाइप में लगता है, इसीलिए इसको हम ग्लास ट्रैप बोलते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, अगर दिक्कत हो रही हो इसको देखने में, तो आप गूगल पे नेट पे सर्च कर लें ग्लास ट्रैप, फ्रूट फ्लाई ट्रैप। इधर दिखाओ जरा, फ्रूट फ्लाई ट्रैप इस तरह से रहेगा। ध्यान रहे इसको ऐसे नहीं, ऐसे लटकाना है नीचे, ऐसे करके लटका देना है। और इसमें ये जो बिस्किट टाइप का है, इसमें जो दवाई है ये इसमें देंगे आपको। अगर दवाई का नाम पढ़ने में हो रहा हो, तो इसको आप एक बार देख लें इसमें क्या लगेगा। इसका हम जो इमेज होता है वो हम अपने वीडियो पे लगा देंगे, ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। आप इसका एक्सपायरी डेट देख के लेंगे और MFG देख के लेंगे, इससे आपका पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्प्रे हम खेत में करते हैं, उससे हम बचेंगे। स्प्रे का जो कॉस्ट होता है बहुत महंगा होता है। एक दवाई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आप छीट रहे हैं, उसका कॉस्ट काफ़ी महंगा होता है, और वो लगभग 5-10 दिन उसका रहता है, 5-10 दिन कीड़ा नहीं आने देगा। इसमें क्या है कि एक बिस्किट कम से कम 45 दिन आपका काम करेगा, कम से कम 45 से 60 दिन ये खेत में रहता है, 45 से 60 दिन काम करेगा। अगर इसका नाम के बारे में देखते हैं, तो ये बीडी फेरो लियोर इसका नाम है। नाम काफ़ी मतलब डिफिकल्ट होता है याद करने में। तो आप क्या करेंगे, जो ग्लास ट्रैप है यहाँ पे, आप दुकान पे जाएंगे, ये वीडियो दिखा देंगे, या फिर आप ग्लास ट्रैप गूगल पे सर्च करेंगे और ग्लास ट्रैप दिखा के दुकानदार को कहेंगे कि ग्लास ट्रैप में जो बिस्किट देना होता है, जो पेस्टिसाइड देना होता है, वो दे दीजिए। अगर नाम पढ़ने में हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लें, बायो फेरो बीडी लियोर करके आता है, ये फ्रूट फ्लाई कंट्रोल कर देगा। एक्चुअली इसका मेन मकसद ये है कि आप जो पेस्टिसाइड अपने खेत में लगा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन काम करेगा, लेकिन ये कम से कम 45 से 60 दिन रहेगा आपके खेत में। ये कम से कम 45 से 60 दिन आपके खेत में आने नहीं देगा। अब देखना है तो इसमें कितना इसमें लगेगा। एक एकड़ की अगर बात करें, तो 8 से 10 ये बिस्किट और ये ग्लास ट्रैप एक एकड़ में देना है। उस हिसाब से अपने खेत को डिवाइड कर लें, कितना कितना ग्लास दें, कितनी दूरी पर दें, जो एक एकड़ कवर हो जाए। फिर से ध्यान रखना, एक एकड़ में 10 ग्लास ट्रैप ये लगाना है, तो उस हिसाब से भी ये पेस्टिसाइड से सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको आप यूज़ करें अपने खेत में। तो ये था ग्लास ट्रैप। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल खेती घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।